टेंट महिला है, 4000 रुपया था, पूरा पैसा उठ गया, एक भी पैसा नहीं, घर जाने के लिए तरसते हैं, भूखे प्यासे बच्चा सब मरते हैं। थोड़ा बहुत हेल्प के लिए तो हो जाएगा आपका, लेकिन ऐसा है कैसा, हम ये बोल रहे हैं कि जब से हम 5 घंटे से घूम रहे हैं तो ऐसा बहुत सा 10 से 12 आदमी की ऐसी समस्या रही कि आप हमको पैसा दीजिए, लेकिन कितने आदमी की मदद करेंगे? हम तो भैया केरल से आए हैं, 4 आदमी का सफर है, परसेंट महिला है, 4000 रुपया था, पूरा पैसा उठ गया, एक भी पैसा नहीं, घर जाने के लिए तरसते हैं, भूखे प्यासे बच्चा सब मरते हैं। कई दिन से यहाँ पे आए? यहाँ पे 5-6 दिन हो गया आया। बाबा के बारे में क्या सुना? बाबा तो बहुत अच्छा है, बहुत भगवान है, उसी को पाने के लिए आए थे, दर्शन हो गया, आप जाएंगे, पैसा नहीं होता है घर जाने के लिए। ओके, कई दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ पे 5-6 दिन से यहाँ पे है, 4000 रुपया लेके आए थे, पूरा पैसा उठ गया। खाना उना खा लिए? खाना नहीं देता है, इतना भीड़ लगता है, लाइन लगाता है, कहाँ से कोई देगा, बच्चा भूख से छटपटाता है, मेरा परमानेंट हूँ, मैं भी भूख से छटपटाते हैं। कमेटी तो ऐसा बोलती है कि रहना खाना पीना सब फ्री है, तो है लेकिन लाइन लगाता है भैया, नहीं देता है खाने के लिए। ओके, एक ही जगह पे मिलता है कि जगह जगह पे? नहीं, जगह जगह पे नहीं, एक ही जगह लाइन लगाता है, सबको परेशान हो जाता है, सब टेंशन से मर जाता है, किसी को चक्कर लग जाता है टेंशन से, भूख से किसी का बच्चा रोता रहता है, मेरा बच्चा भी रोता रहता है भूख से, मेरा पति 80-80 रुपया में खाना सुबह में खाते, परसेंट मेला हूँ, मर जाएंगे यहाँ पर रहेंगे तो चले जाएंगे घर। देखिए इनका हस्बैंड भी आए हुए हैं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है राम बालक पासवान। ओके, बाबा के बारे में अभी तक क्या जानते हैं? बाबा का बारे में तो बहुत अच्छा है, बाबा तो भगवान है, बाबा को पाने के लिए आया था मैं यहाँ पे, पर यहाँ पे व्यवस्था तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पर वही है कि खाना नहीं मिल पाता है, लाइन में लगाना पड़ता है, वो भी मिले या ना मिले कोई ठिकाना नहीं रहता यहाँ पे। हम तो अगर पैसा नहीं रहता हमारा पास में तो भूखा रहता, मैं इधर से छोला भटूरा में खाता हूँ दिन रात, इधर में 2-2 प्लेट का। बाबा का दर्शन हो गया? हो गया, बाबा का दर्शन तो हो गया, बस कल जाने वाला हूँ। पैसा नहीं होता तो घर से किसी आदमी से मंगाइए, ये स्थिति में अभी यहाँ पे कौन ऐसा आदमी है जो मदद करेगा, क्योंकि सब समस्या का ही शिकार है, तो आपका यहाँ पे मदद कौन करेगा? और बागेश्वर बालाजी मदद करेगा ना? अब वो आपकी जब बहुत सारे श्रद्धालु की तो अर्जी नहीं सुन पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, दर्शन नहीं हो पा रहा, तो वो आपका कैसे? 100-200 रुपया उसी पाई में चले जाएंगे, मधुबनी मेरा घर है, ये हिम्मत हम आए हैं, ये हिम्मत रहना चाहिए जब मिलने के लिए वाला। आप लोग किसी को गरीब को नहीं मदद कर सकते हो, आप लोग को तो भी पैसा होता है, आप लोग फ्री में थोड़ी ना मीडिया लेके घूमते हैं। आप यही बोलना चाह रहे थे कैमरे के सामने, है ना? क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग को भी तो पैसा? ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी समस्या को समाधान को, लेकिन ऐसा बहुत सारे यहाँ पे जो हम आए हैं तो ऐसा बहुत सारे हैं, बहुत अभी हम ही के कितने आदमी को मदद करेंगे, लगभग हम अभी अभी जब तक मेरे को अच्छा सुनिए ना, हम अभी 4-5 घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे में 10-12 आदमी की समस्या को ऐसे समाधान को पूरा किया, अभी ऐसा भी नहीं कि हमको 1 लाख रुपया होता है कि हम अभी 1 लाख रुपया किसी को दे दें, तो यही है कि हम 100-200 रुपया उसी पाए में मदद करेगा बागेश्वर वाला जी, बस खुशी से चले जाएंगे मधुबनी में। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प के लिए तो हो जाएगा आपका, लेकिन ऐसा है कैसा, हम ये बोल रहे हैं कि जब से हम 5 घंटे से घूम रहे हैं तो ऐसा बहुत सा 10 से 12 आदमी की ऐसी समस्या रही कि आप हमको पैसा दीजिए, लेकिन कितने आदमी की मदद करेगा? कुछ तो समाधान होना चाहिए ना, कुछ तो समाधान होना चाहिए। ये हमारे पास पैसा था पर पूरा पैसा का खाना खा लिया हूँ, अभी मेरा पास पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बाकी तो कोई भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, बाकी खाना नहीं मिलता है वही गड़बड़ी है, लाइन में लगाना पड़ता है, 2-3 घंटा लाइन में लगाना पड़ता है, उसके बाद पहुँचने के बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद मिले या ना मिले, वहाँ पे पहुँचने के बाद मिले या ना मिले खाना कोई ठिकाना नहीं रहता है, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता हूँ उधर जाकर छोला भटूरा खाता हूँ और क्या करूँगा। ठीक है, देखिए यही सब समस्या है, और ये देखिए केरला से आए हुए थे बाबा से मिलने के लिए 4000 रुपया लेके, और इनके पास अब पैसा नहीं बचा है केरला जाने के लिए, किसी भी तरह से कल या फिर हम लोग से ही इकट्ठा करके दिया जाएगा इनको, जो इनका समस्या को दूर किया जाए। देखिए ये अम्मा आए हुए बागेश्वर धाम बाबा से मिलने के लिए, मतलब जो नौबतपुर में कार्यक्रम उनका चल रहा है बाबा का, इनकी क्या समस्या है पूछते, क्या प्रॉब्लम है आप थोड़ा जोर से बोलिए। हमारा बहुत तकलीफ से हम आए रहने हैं, शरीर थोड़ा जोर से, शरीर से बहुत तकलीफ है हमारा। क्या हुआ शरीर में? हमारा कमजोरी बहुत बा, खून नहीं के बनत, कितना दवाई हम खा के बैठ गनी नहीं कि अच्छा रहत, हम ऐसे बाबा के लगनी है मिलने खातिर, बागेश्वर बाबा से हमारा से नाम मिलनी है, हमारा बहुत दुख बा। अर्जी लगाई थी आप? हाँ लगाओ लगानी।
देखिए कैमरे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि बाबा इनकी अर्जी सुने, क्या है इनकी समस्या, पूरा शरीर से इनकी समस्या है, बहुत परेशानी में है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो काफ़ी दूर दूर से, पूरे बिहार के कोने कोने से, हालांकि नेपाल से, सहरसा से, सहरसा सुपौल से, दरभंगा से, समस्तीपुर से, पटना से, मधेपुरा से, खगड़िया से, कोने से, गांव से नहीं, आपको यहां पे श्रद्धालु उनसे मिलने